नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में निधि हत्याकांड में कल खूब हंगामा हुआ। निधि की मौत के बाद अब तक आरोपी सुफियान फरार है। बता दें कि कल परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद सड़क पर शव को रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते समय पीड़ित परिवार ने आरोपी को फांसी देने की मांग की, साथ ही 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। दूसरी तरफ मामले में पुलिस ने हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फरार आरोपी की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच समेत सर्विलांस की 9 टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर थापा हमसे जुड़ेंगे। सागर, निधि हत्याकांड में कल लोगों ने खूब हंगामा किया, अभी आरोपी सुफियान की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या कुछ नई अपडेट है इसको लेकर? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि ये तकरीबन मंगलवार की शाम की घटना है। उसके बाद से जो है, जो लड़की है और जो लड़का सुफियान है, ये लोग छत में जाकर बात कर रहे होते हैं। अचानक से लड़की वहाँ से गिर जाती है और उसकी मौके पर तो मौत नहीं कहूँगा, उसके परिजन उसे आर्मी थाना में ट्रामा सेंटर ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और आपको बता दूँ, लगातार जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं, चाहे वो JCP लॉ एंड ऑर्डर हो गए, चाहे ADCP लेवल के अधिकारी हो गए, वो लगातार जाँच कर रहे हैं। क्योंकि JCP लॉ एंड ऑर्डर का साफ साफ कहना है पीयूष मौर्या का कि वो जो अगुवाई है, पूरी टीम है, वो उनकी अगुवाई कर रहे हैं, टीम उनकी निगरानी में लगातार है, लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है और तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा अधिक हो चुका है जो सुफियान फरार है। जब अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और आपको बता दूं, क्राइम ब्रांच से लेकर सर्विलांस की 9 टीमें तकरीबन इसको ढूंढ रही हैं और हर उस एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस का साफ साफ ये बयान सामने आया है कि हम जो है जांच अगर करेंगे, जांच का जो शुरुआती दौर रहेगा वो हत्या और आत्महत्या दोनों से रहेगा, क्योंकि इस मौके पर सुफियान और जो लड़की है वही मौजूद थे। और एक तरफ एक उसके मामा का बयान आता है, लड़की के मामा का बयान आता है कि सुफियान ने एक दिन पहले उन्हें कार में आग लगाने की धमकी भी दी थी, क्योंकि विवाद जब ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद उनके जो पिता हैं, लड़की के निधि के पिता हैं, उनका साफ साफ ये कहना था कि उनकी जो लड़की है उनको ब्रेन वॉश किया गया है और सुफियान ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उसे बरगलाया और उससे बात करने की लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये दोनों जो है 1.5 साल से तकरीबन आपस में कॉन्टैक्ट में थे, कनेक्ट थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का जो घर है वो मात्र अगल बगल की दूरी पर, 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही ये दोनों का घर है। तो हालांकि कई बार सुफियान के परिवार वालों को, जो निधि का परिवार वाले हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो है आप अपने लड़के को समझा लीजिए या बुझा लीजिए किसी भी तरीके से, लेकिन उनके लड़कों के घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद से ध्यान नहीं दिया तो कल तकरीबन पोस्टमार्टम के बाद जो उसके लड़की के निधि के घर वाले ने जो है IM रोड पर शव को रखकर प्रदर्शन किया, उसके बाद से भारी पुलिस बल से लेकर DCP से ADCP लेवल के बड़े IPS अधिकारी भी वहां पहुंचे थे और किसी तरह मान मनोवल कर रहा था। और लड़की के जो परिजन हैं उनका साफ साफ कहना था कि सुफियान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसे फांसी दी जाए। और दूसरी तरफ 50 लाख की मुआवजे की मांग और सरकारी नौकरी की मांग भी उनके परिवार वालों ने रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लखनऊ की जो सर्विलांस टीम है वो लगातार बेहतर काम तो करती आ रही है। और एक जो एक तरफ क्राइम ब्रांच भी, और देखने वाली बात भी दिलचस्प होगा कि जो लखनऊ की क्या जो पुलिस है और लखनऊ की जो सर्विलांस टीम है, क्राइम ब्रांच है, वो सुफियान का पता कब तक लगा दे, क्योंकि 9 टीमें लगाई गई हैं और सुफियान की तलाश एकदम जोरों शोर से की जा रही है। जी सागर, अभी दो एंगल से जांच की जा रही है कि आत्महत्या है या हत्या, तो इसमें अभी क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, ये तो जांच का विषय है मयूरी, क्योंकि पुलिस की जांच है, पुलिस की जांच में समय लगता है और जब तक मुझे लगता है कि सुफियान की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पुलिस किसी भी एंगल में बयान अपना नहीं दे सकती। तो इसलिए पुलिस का साफ साफ बयान आया है कि वो हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच करेगी कि अगर हत्या हुई तो क्या कारण थी, और सुफियान ने उसकी हत्या कर दी, उसे वहाँ से फेंका, और लड़की का अगर आत्महत्या हुई तो किन विवाद के कारण, किन चीज़ों को लेकर आत्महत्या की है लड़की ने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुफियान का यहाँ इस केस में पकड़ा जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़की के घर परिजनों ने 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है और 3/5 धर्म परिवर्तन की धारा होती है उसमें मुकदमा दर्ज कराया है। तो सबसे बड़ी बात ये होगी
कि अब सूफियान की गिरफ्तारी कब तक संभव है और लखनऊ पुलिस इसका कब तक खुलासा करती है, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मीडिया के सामने और तमाम जो लोग हैं उनके सामने सूफियान को पेश कर पाती है। जी सागर, कल परिजनों ने खूब हंगामा किया, वहीं आरोपी को फांसी के साथ 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कुछ कहना, उन्होंने परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया है, आप परिवार वालों का भी क्या कुछ कहना है? देखिए ब्रजेश पाठक का भी बयान आया था कि वो परिवार के प्रति संवेदना अपनी व्यक्त करते हैं और उनका साफ साफ ये कहना था कि जो दोषी है अगर वो दोषी वाकई में है तो वो बख्शा नहीं जाएगा और कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से किसी भी जगह अगर दोषी छुपा होगा तो उसे ढूंढ कर लाएगी और उसे अगर वो दोषमुक्त हुआ तो उसे आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर दोषी ठहराया गया तो उस पर पूरी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जो कि खुलासा 5-6 महीने बाद हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा 35 टुकड़े तकरीबन जो उसके प्रेमी हैं उसने किए थे, तो कहीं ना कहीं ये माहौल ये भी बन रहा है कि इस एंगल को लव जिहाद का रूप भी दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात कहूँगा लव जिहाद का, तो जब तक सूफियान की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाती है इस मामले में कुछ भी कहना संभव नहीं है। धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि आरोपी सूफियान अभी फरार चल रहा है, वहीं पुलिस लगातार दबिश दे रही है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश 2022 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। अब 15 मीटर से ऊंची इमारतों के अलावा स्कूल, कॉलेज, मॉल, औद्योगिक इकाइयों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में फायर ब्रिगेड उपकरणों के पुख्ता प्रबंधों के साथ वहां फायर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती की जाएगी। वहीं अग्निशमन अधिकारियों को गड़बड़ी पाए जाने पर किसी भवन को सील करने का अधिकार भी होगा। इसके साथ ही लापरवाह दमकल कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की व्यवस्था होगी। साथ ही अब किसी भवन में आग लगने से होने वाली जनहानि की स्थिति में पीड़ित परिवार को मुआवजा भवन स्वामी या उस भवन का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति को देना होगा। किसी भी बिल्डिंग को सील करने का अधिकार दिया गया है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मंजूरी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ शामिल है इसमें? अभी जो ये प्रस्ताव पहला अभी तक फायर कर्मियों के पास पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ करते थे, पुख्ता उपकरण नहीं हुआ करते थे, उनके हाथ बंधे रहते थे तो कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न होती थी। अब उनके पास ऐसी पावर आ चुकी है कि वो कभी भी किसी भी समय निरीक्षण कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले वो बिल्डिंगों में जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको जो ये सुविधाएं मिली है, जो हाथ बंधे थे अब इनको पावर मिल गई है, तो ये अब जो आग लगने की घटनाएं होती थी उससे भी जो लोग आहत होते थे उस पर भी ये कार्रवाई की गई है कि जितनी बिल्डिंग रहेगी जो मालिक होगा बिल्डिंग का और अगर आग लगने से कोई क्षतिग्रस्त होता है, किसी की मौत हो जाती है तो पूरा मुआवजा उस बिल्डिंग के मालिक को देना होगा। इस तरीके की पूरी जानकारी जो कल
कैबिनेट प्रस्ताव के बाद जो हमें मिल रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा। और एक चीज आपको बता दूं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तर्ज पर अब फायर सर्विस काम करेगी, उनकी मैन पावर को भी बढ़ाया जाएगा और बहुत सारे अधिकार इस तरीके के फायर सर्विस को इसमें दिया गया है, जबकि बार कैबिनेट से मंजूरी मिली। रितेत, प्रतिष्ठानों पर फायर ब्रिगेड उपकरणों के पुख्ता इंतजाम के साथ फायर सुरक्षा अधिकारी की भी तैनाती की जाएगी, इससे जो कई अभी मामले हमने देखे लखनऊ में बिल्डिंग में आग लगने के, इसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, अभी हाल ही में लेवाना अग्निकांड में आपने देखा होगा, चार मौतें हो गई थी और केवल यही नहीं, चार बार में भी एक होटल में, निजी होटल में आग लगा था, वहाँ भी कई लोगों की जिंदा जलने की भी सूचना आई थी। और इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही थी उससे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने सबक लिया है और उसने इस चीज को प्राप्त कर दिया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके तहत अब लखनऊ में जो फायर स्टेशन, जो फायर की शक्तियों को मजबूत किया गया हो, इस तरीके से मजबूत किया गया है कि यदि कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, कोई भी निर्माणाधीन जो कार्य चल रहे हैं, जो बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, वहां पर फायर कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और 30 दिन के अंदर अगर ये कोई भी संस्था वाले अगर वहां पर फायर कर्मी की ड्यूटी नहीं लगाते हैं तो उनको फायर विभाग से नोटिस भेजा जाएगा और उनके साथ वो वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अभी तक फायर कर्मी FIR करने से पीछे हटते थे, मतलब उनके पास विवेचनाएं नहीं होती थी, लेकिन अभी जो ये बिल पास हुआ है उसके बाद से अब फायर कर्मियों के पास भी पूरी जो है पावर आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इनको जो शक्तियां दी गई हैं उसमें ये कहीं भी अगर आग लग जाता है, अगर ये जाते हैं रास्ते में किसी भी प्रकार का अवरोध होता है, अगर कोई निर्माणाधीन चीज कोई आगे रास्ते में पड़ती है तो उसको तोड़ने का भी अधिकार इनको मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर किसी भी तरीके का अगर कहीं आग लगने की सूचना आती है तो उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अभी जैसे साइकिल लेकर के जाते थे और पानी समाप्त हो जाता, पानी खत्म हो जाता था, तो उसके लिए भी इनको ये अधिकार मिल जाएगा कि ये पानी भी किसी से ले सकते हैं अगल बगल, या किसी से भी पानी मांग सकते हैं और पानी देने के लिए कोई मना भी नहीं कर सकता। इस पर भी सरकार ने विचार किया जी, एक बहुत ही बेहतरीन पहल की गई है। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।